हेलो नव भारती स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शतरंज के हम जिस खेल को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, क्योंकि सीरीज चल रही है दो वर्ल्ड चैंपियंस के बीच में हुए शतरंज के शानदार खेलों की एक श्रृंखला, गोल्डन ट्रेजर ऑफ चेस। 1972 जब स्पाश के वर्ल्ड चैंपियन थे और उनको चैलेंज करने के लिए चैलेंजर्स के रूप में कैंडिडेट टूर्नामेंट को जीतकर बॉबी फिशर आए थे उनके सामने। स्पास की बॉबी फिशर से बहुत डरे हुए थे, क्योंकि बॉबी फिशर ने अपने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के अंतर्गत, जो कि शतरंज के चैंपियन को, वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने के लिए एक टूर्नामेंट होता है, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट कहलाता है, उसके अंदर क्वार्टर फाइनल में उन्होंने तैमेनोव को 6-0 से, सेमीफाइनल में बेंट लॉसन को भी 6-0 से, और फाइनल में स्पास्की से पहले जो वर्ल्ड चैंपियन थे पेट्रोसियन, उन्हें 6.5-2.5 से मात दी हुई थी। स्पास्की चाहते थे कि इस पहले गेम में व्हाइट मोरो से खेलते हुए भी वो ड्रॉ भी करा पाए फिशर के सामने, तो आने वाले मैचेस के अंदर वो फिशर के ऊपर कुछ दबाव बना पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से फिशर आंधी की तरह आ रहे थे तो निश्चित रूप से इनका स्पास्की का डरना लाजमी था। चलिए देखते हैं इस खेल के अंदर क्या हुआ, और इस खेल में जिसमें कि स्पास्की डरे हुए थे, चाहते थे कि वो पहला गेम ड्रॉ करवा लें वाइट से खेलते हुए, और खेला भी उन्होंने इसी प्रकार से था, उसमें वो जीत गए और फिशर हार गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं। व्हाइट मोरे इस पास के हैं और ब्लैक मोरे फिशर के। D4 से स्टार्ट किया, मैं ज्यादा इसमें विश्लेषण नहीं करूंगा, केवल एक मूव जो मूव इसका ब्लंडर मूव था वहां बस मैं थोड़ा विश्लेषण करूंगा। नाइट F6, स्पष्ट की C4, फिशर E6, स्पष्ट की नाइट F3, फिशर D4, स्पष्ट की नाइट C3, फिशर बिशप B4, स्पष्ट की E3, फिशर कैचलिंग, स्पष्ट के बिशप D3, फिशर C5, स्पष्ट के कैचलिंग, फिशर नाइट C6, स्पष्ट के A3, फिशर बिशप A5, स्पष्ट के नाइट E2, फिशर D×C4, स्पष्ट की बिशप X C4, फिशर बिशप B6, स्पष्ट की D×C5, फिशर Qx D1, स्पष्ट की Rook×D1, फिशर Bx C5, स्पष्ट की B4, फिशर Bx E7, स्पष्ट की Bx B2, फिशर Bx D7, स्पष्ट की Rook A C1, फिशर Rook F D8, स्पष्ट के Knight E D4, फिशर Knight×D4, स्पष्ट के Knight×D4, फिशर Bx A4,
स्पर्श की, बिशप बी टू बी थ्री, फिशर बिशप क्रॉस बी थ्री, स्पर्श की नाइट क्रॉस बी थ्री, फिशर रुक क्रॉस डी वन एंड चेक, स्पर्श के रुक क्रॉस डी वन, फिशर रुक सी एट, स्पर्श के किंग एफ वन, फिशर किंग एफ एट, स्पर्श के किंग ई टू, फिशर नाइट ई फोर, स्पर्श के रुक सी वन, फिशर रुक क्रॉस सी वन, स्पर्श के बिशप क्रॉस सी वन, फिशर एफ सिक्स, स्पर्श के नाइट ए फाइव, फिशर नाइट डी सिक्स, स्पर्श के किंग डी थ्री, फिशर बिशप डी एट, स्पर्श के नाइट सी फोर, फिशर बिशप सी सेवन, स्पर्श के नाइट क्रॉस डी सिक्स, फिशर बिशप क्रॉस डी सिक्स, स्पर्श की बी फाइव। यहां थोड़ा सा हम रुकते हैं और देखते हैं अभी बेस्ट मूव फिशर के पास क्या था। फिशर अपनी पॉन को चलाना चाहिए था, किंग को आगे लेके आ सकते थे, परंतु यहां फिशर ने क्या किया, फिशर ने बिशप एच टू बिशप से इस मोहर पॉन को मार लिया। ये क्या था फिशर की, ये मिस कैलकुलेशन थी। फिशर ने सोचा इसके बाद क्या होगा, पॉन आगे बढ़ी, आपके बिशप को ट्रैप कर लिया गया। फिशर ने ये चला, किंग यहां आया, पॉन आगे बढ़ी, यहां आया, यहां तक फिशर ने जो सोचा था वो हुआ। अब आगे फिशर ने सोचा था कि आगे क्या होगा, यहां तक आ गई, मैं इस पैदल को आगे बढ़ाऊं। ये कैलकुलेशन थी फिशर की, गेम में ऐसा नहीं हुआ था, वास्तव में ये सोचा था फिशर ने, मैं ऐसा चलूंगा, किंग यहां आएगा इस पैदल को मारने के लिए, क्योंकि यहां आ नहीं सकता था, फिशर इसको लेके यहां जाता, ठीक है, किंग इससे इसको मारता, फिशर इससे इसको मारते, और फिशर से मार के मैं इधर से निकल जाऊंगा। लेकिन स्पर्श की इसको चलते तो ये बिशप ट्रैप हो गया ना, बिशप यहां ट्रैप हो गया, तो इसलिए इस गेम इस प्रकार से नहीं हुआ। गेम क्या हुआ हम देखते हैं। ये पोजीशन थी, फिशर बी क्रॉस एच टू, स्पर्श की जी थ्री, यस, फिशर एच फाइव, स्पर्श की किंग ई टू, फिशर एच फोर, स्पर्श की किंग एफ थ्री। अब चूंकि मालूम था कि ऐसा हो जाएगा, मिस कैलकुलेशन हो गई थी ना, कैसे निकल जाऊंगा मैं यहां से, यहां जाऊंगा ऐसे करके ऐसे करके निकल जाऊंगा, लेकिन निकल नहीं पाता, इसने आके रोक दिया था बिशप डी टू। तो फिर अब जब फिशर ने यहां आके कैलकुलेशन कर ली कि ये ब्लंडर हो चुका है, तो फिर फिशर किंग ई सेवन, स्पर्श की किंग जी टू, फिशर एच क्रॉस जी थ्री, स्पर्श की एफ क्रॉस जी थ्री, फिशर बिशप क्रॉस जी थ्री, स्पर्श की किंग क्रॉस जी थ्री, फिशर
देखिए यहां पर दो पैदल के बदले में फिशर ने अपना बिशप दिया है, लूज करने की पोजीशन में है। हम जानते हैं पॉन की वैल्यू 1 है, बिशप की वैल्यू 3 है, तो 2 पॉन्स मतलब 2 पॉइंट, बिशप मींस 3 पॉइंट, 1 पॉइंट पीछे है फिशर। बहुत ज्यादा लूजिंग पोजीशन नहीं है, फिशर इसमें कवर कर सकते थे, लेकिन फिशर ने आगे एक दो मिस्टेक्स और किए हैं 39th और 40th मूव में। देखते हैं हम कैसे गलती हुई है। फिशर किंग d6 स्पर्श की, a4, थोड़ा सा यहां धीरे धीरे चलते हैं, आप थोड़ा सा सोचते भी रहिए। फिशर किंग d5 स्पर्श की, बिशप a3, फिशर किंग e4 स्पर्श की, बिशप c5, फिशर a6 स्पर्श की, b6 फिशर f5 स्पर्श की, किंग h4 फिशर f4 स्पर्श की, e क्रॉस f4 फिशर, किंग क्रॉस f4 स्पर्श की, किंग h5 फिशर, किंग f5 स्पर्श की, बिशप e3 फिशर, किंग e4 स्पर्श की, बिशप f2 फिशर, किंग f5 स्पर्श की, बिशप h4 फिशर, e5 स्पर्श की, बिशप g5। अब गेम दिख रहा है कि क्या होना है, अब तो इजी वे में वाइट विन दिख रहा है। फिशर e4 स्पर्श की, बिशप e3 फिशर, किंग f6 स्पर्श की, किंग g4 फिशर, किंग e5 स्पर्श की, किंग g5 फिशर, किंग d5 स्पर्श की, किंग f5 फिशर, a5 स्पर्श की, बिशप f2 स्पर्श की, g5 फिशर g5 स्पर्श की, किंग क्रॉस g5 फिशर, किंग c4 स्पर्श की, किंग f5 फिशर, किंग b4 स्पर्श की, किंग क्रॉस e4 फिशर, किंग क्रॉस a4 स्पर्श की, किंग d5 फिशर, किंग b5 स्पर्श की, किंग d6। अब यहां फिशर ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फिशर जानते थे अब ये राजा यहां आना है, राजा को यहां आने से को रोक नहीं सकता, स्पर्श की किंग को यहां आने से को रोक नहीं सकता। स्पर्श की फिशर क्या करेंगे, यहां जाएंगे, उनके पास बिशप है, चलने को खूब जगह है, ये पैदल आगे जा नहीं सकती है, कितनी जाएगी, जाएगी तो पिटेगी। यहाँ इस किंग के बदले यदि वो बिशप भी दे देगा स्पर्श की, यहाँ जाने के बाद में इस पोजीशन पर जाने के बाद में, और इनका राजा यहाँ रहेगा, तो ये आराम से इस पोन को मार के स्पर्श की इस पैदल से को क्वीन बना के, और निश्चित रूप से जीतने वाले थे, इसलिए फिशर को इस गेम में फिर यहाँ रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद में फिशर ने कमबैक करते हुए सेकेंड गेम को छोड़ दिया और थर्ड से लेकर और लगातार 8 गेम में 5 विन करी और इस चैंपियनशिप को जीती, वो अगले मैचों में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।